नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। और बात करें अगर फिल्मों की, तो पिछले कुछ वक्त तक एक फिल्म काफ़ी चर्चा मेरी खबरों में छाई रही, जिसका नाम है महाराज। और हमारे साथ इस वक्त फिल्म के जो लीड एक्टर हैं जुनैद खान साहब, और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। लोग आपसे फिल्म रिलीज़ होने से पहले से बात करना चाहते हैं, लेकिन मौका लेट मिला जी। मगर फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन है अभी जब फिल्म रिलीज़ हो गई है इतनी जदोजहद के बाद? रिलैक्सेशन है, और ये भी उम्मीद है कि लोग और क्योंकि ये जब ड्रॉप हुई फ्राइडे को 5:30 बजे विदाउट एनी पब्लिसिटी ड्रॉप हुई थी, तो अब ये कोशिश है कि और लोग देखें और लोग इसे सराहें। अब तक जिसने देखा है फ्राइडे से लेके अब तक सबने सराहा है, ज़्यादातर लोगों ने सराहा है, जुनैद के काम को बहुत सराहा है, मेरे काम को, राइटर्स के काम को, बाकी सब। तो अब यही कोशिश है कि जितने और देखें, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के 270 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स है ना, तो ये 270 मिलियन तक पहुंच जाए। थोड़ी लालच है, अब 5 साल वेट किया है कि चलो, की है तो जाहिर सी बात है, चलो पहुंच जाए, हर घर घर में पहुंच जाए, देख लो एक बारी बस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जरूरत की काम आपका देखा मैंने, बट जब आप इस तरह का कैरेक्टर आप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई होती हैं। फिल्म तो है, चलिए फिल्म को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा क्योंकि उस माहौल से आप आते हैं, आपने बहुत सेट पे भी वक्त गुजारा होगा, मगर इस फिल्म में कॉस्ट्यूम, आपका जो भाषा है जो आप बोल रहे हैं, या और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए आपको लगा थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम आप पहनते नहीं हैं, है ना, और कॉस्ट्यूम में जाके उसको अपना बनाना वो एक मुश्किल काम है, भाषा एक अलग मुश्किल काम है, डांस तो मैंने सुना आपका इंटरव्यू में। नहीं, मुझे लगता है हर किरदार में कुछ ना कुछ होता है जो उसे चैलेंजिंग बनाता है, और ऐसा होना ही चाहिए। मुझे हमेशा लगा कि करसनदास मूल जी, जब मैंने कहानी सुनी तो वो काफ़ी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं, तो मैं एक्साइटेड था उसके बारे में। और अभी आप पीरियड पीस कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें हैं जो जिस पे काम करना पड़ता है। हम लोग ने लगभग 1 साल रीडिंग्स की, वर्कशॉप्स की, काफ़ी कुछ किया, बहुत मेहनत की। तो आई होप कि बाय एंड लार्ज ठीक ही आया। देखिए, उनको तो बहुत मशक्कत करनी पड़ी लिखने में भी, उसके बाद डायरेक्शन भी किया, बाकी एक लड़ाई लड़ी। आपसे मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ये है कि जब आप शूट कर रहे होते हैं फिल्म बतौर एक्टर, तो एक्टिंग है, डायलॉग्स हैं, वो सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग की बहुत सारी शाखाएँ होती हैं, जिसमें हम अभिनय के साथ साथ डिलीवरी की भी बात करते हैं, लैंग्वेज की भी बात करते हैं, कॉस्ट्यूम की भी बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की भी बात करते हैं। तो आपके लिए, मतलब जब आप उस कैरेक्टर को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो मैं पूछना चाह रहा हूँ जिसको आपको लगा कि यार ये थोड़ा परसीव करना मुश्किल हो, हालांकि उन्होंने बताया होगा बतौर डायरेक्टर? नहीं, उन्होंने काफ़ी बहुत हेल्प की। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। पहले तो मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस नाटकों में रहा है, स्टेज पर रहा है, तो फिल्मों में काम करना उससे थोड़ा अलग है। कुछ चीज़ें प्रोजेक्शन अलग होती हैं, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, करके नहीं बोल सकते, स्टेज पे है। इंटीमेट सीन में भी आपको लास्टों तक पहुँचना है। फिल्म पे कभी कभी दूर के सीन में भी शॉर्ट क्लोज है, तो आप ज़्यादा जोर से बोलेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लाउड लगेगा। फिर स्टेज पे जब आपका शो शुरू होता है तो उसका एक रिदम होता है, उसका एक पैटर्न होता है, जब उसी में आप करते रहते हैं। अगर कुछ सीन्स के बीच आपके पास ब्रेक है 2-4 मिनट का, तो वो हर शो में वही होता है। जी जी। फिल्म सेट पे तो काफ़ी कुछ चिल्लम चिल्ली केओस रहता है, और फिर सडनली सब लोग साइलेंस हो जाते हैं और डायरेक्टर बोलता है एक्शन। बोलता है हाँ क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो फोकस मेंटेन करना ऑन अ फिल्म सेट अलग है। जनरली पीरियड पीस में बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, क्योंकि कपड़े अलग होते हैं। हाँ, और वो कपड़े, मूंछ मूंछ बाल सब कुछ मूंछ की बात है। हाँ बिल्कुल। नहीं, पर कपड़े अलग होते हैं, उनका फिट अलग होता है, आपका बॉडी अलग बिहेव करता है। राइट राइट, वही मैं पूछने जा रहा था आपसे। हाँ। कॉस्ट्यूम को अपना बनाना एक बड़ा मुश्किल काम। धोती पहनो और आप जीन्स पहनो, आप डांस भी करो धोती पहन के। एक्चुअली धोती पहन के उसमें डांस में मुझे धोती में बिल्कुल दिक्कत नहीं।
डांस में दिक्कत हुई, धोती धोती में दिक्कत धोती में नहीं अब तो खुद बांध भी लेता हूँ। चलिए आपको अंदाजा था कि जब आप फिल्म कर रहे थे आने वाली थी कि इस तरह की कंट्रोवर्सी हो जाएगी या इस तरह से लोग खबरों में आएगी फिल्म? अब दोनों से ही सवाल है। सर कतई भी नहीं, नहीं थी कतई भी नहीं, क्योंकि हमने जब वो स्क्रिप्ट बनाई थी ना, जो भी ऑब्जेक्शनेबल था किताब में या केस में हमने हटा दी थी सर, स्क्रिप्ट में ही। तो हमें पता था कि हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं कि ये एक करसन दास की जर्नी, क्योंकि हर किसी को लग रहा था अरे ये लाइबल केस पे कहानी है, अरे ये किताब ऑफकोर्स किताब से की राइट्स ली हैं, बट हम एक लार्जर ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी सेंसिबिलिटी या किसी भी धर्म या किसी भी इंसान को ये ठेस पहुँचे, तो हमने वो पहले ही सब हटा दिया। हमने बोला यार ये इस तरह की फिल्में पहले भी बनी है, ऐसे नहीं कुछ नया। हाँ मतलब ये भी एक बात है, आश्रम उससे पहले आ चुकी थी, बंदा उससे पहले आ चुकी और उससे पहले भी बहुत और आ चुकी थी। हाँ, तो अगर आ चुकी थी और चल गई तो मैंने बोला कि मेरी भी तो लड़ाई एक आदमी के खिलाफ है ना, पूरे संप्रदाय के खिलाफ तो है नहीं। और वेरी क्लियरली सर आपने तो देखी है फिल्म, और वो एक आदमी के भी खिलाफ नहीं, एक आदमी के सोच के खिलाफ है। ये तो डायलॉग भी है पिक्चर के, मुझे तो इसके साथ व्यक्तिगत कोई बैर भी नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी सोच से प्रॉब्लम है और ये और बड़े सवाल उठा रहा है। तो फिर वो दिक्कत होती है कि यार डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, अब देख लो यार एक बार ही। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी या ये जो हुआ, क्योंकि हम जिस इंटेंट के साथ बना रहे थे वो इतना प्योर था, विदाउट इतना भी यार किसी को बुरा लग सकता है वो सोच ही नहीं आई। वो सोच तब आई जब ये सब होना शुरू हुआ, फिर पूरी फिल्म को वापस, स्क्रिप्ट को उस नज़रिए से वापस पढ़ा, वापस देखा कि क्या है, क्या उनके नज़रिए से भी तो देखो क्या है क्या। और फिर भी मुझे लगा कि नहीं है यार, वाकई नहीं है, मैं चाहे उनके नज़रिए से भी देख लूँ ये तो एक आदमी के खिलाफ ही है। जबकि आप खुद वैष्णव समाज से आते हैं, मेरे वाइफ और मेरे मदर इन लॉ जी, और आप भी हो ही गए ना सर। हाँ, मैं तो मैंने गुजराती पर आवड़े छे, वाचवानू पर आवड़े छे, सांबड़वानू पर आवड़े छे, मतलब आई कैन स्पीक इट रीड इट ऑल। सो व्हेन यू गो इनटू दैट सेटअप, और मेरे राइटर्स भी गुजराती वैष्णव मेरे सब, तो वो हमने बहुत एहतियात बरती थी। तो जब ये आई तो मुझे नहीं लगा था यार होगा, तो इसलिए हमने पूरी, मैंने तो इस दौरान इस स्क्रिप्ट को 3-4 बार वापस पढ़ ली कि यार कुछ है, पिक्चर को वापस देख ली कुछ है। तो जब हमने स्क्रीनिंग्स की प्रेस के लिए और जब आप लोगों ने देखी जी, जी। और फिर रात को हमने कुछ फिल्म इंडस्ट्री वालों को बुलाया था, और जब सब बाहर आए उनका एक ही रिएक्शन था, भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो अच्छी फिल्म है, ये तो प्रो रिलीजन फिल्म है, एक्चुअली ये तो प्रो हिंदू फिल्म है, ये तो कुछ गलत तो है नहीं इसमें, और ये अच्छी फिल्म है यार। तो सब सरप्राइज होके आ रही थी कि यार तुमने तो अच्छी फिल्म बनाई, तो हमारी ये थी कि यार तुम सरप्राइज क्यों कि अच्छी फिल्म ही है। और हाँ, हमारी इंटेंशन हमेशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। मैं तो सूरज भर जाती है, आई कॉल माय सेल्फ सन, एंड वी वुड नेवर डू एनीथिंग व्हिच वुड हर्ट यू नो सेंटीमेंट्स, राइट। बट कहीं ना कहीं सांस अटकी हुई थी, आप दोनों उनकी पहली फिल्म सर, आमिर खान के रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बिल्कुल सास क्या सब कुछ अटकी हुई थी मेरी। एक कॉन्वर्सेशन बताइए जो आप दोनों के बीच उस वक्त हुआ हो, कोई भी, जिसमें जो लोग थोड़ा सर ये मेरे को सहारा दे रहे थे उल्टा था क्या जुनू ये हो गया, अरे सर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, बट डोंट वरी हो जाएगा डोंट सर आप नहीं करो, हमने अच्छी फिल्म बनाई है। तो आई थिंक मुझे, मैं उस वक्त मेरे माँ बाप से, मेरे बेटों से, इस बेटे से, हर किसी से सहारा वो मुझे दे रहे थे। तो ये कॉन्वर्सेशंस हो रही थी उस वक्त, क्योंकि वो कोर्ट की हियरिंग सर आप लाइव देख सकते हो। जी 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 जी। अब ये हमें पता नहीं है, ये आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हो, तो हम तो देख रहे थे क्योंकि ये अवेलेबल है। तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक थ्रिलर बन जाती है पिक्चर। आप बोल रहे हो भाई हमने थ्रिलर तो बनाई नहीं थी, जी जी, अब ये तो वो भी बन गई। बट आपसे पूछूं जुनैद, कि सब आपसे पूछ रहे हैं कि आमिर का रिएक्शन क्या था, मैं आपसे पूछूंगा आपकी मॉम और आपकी दादी का रिएक्शन क्या था। हाँ, वो आपने एकदम सही सवाल पूछा एक्चुअली, क्योंकि पापा को काफ़ी चीज़ें पसंद आती है, मॉम इज़ अ मच हार्डर ऑडियंस टू प्लीज। मॉम को सिर्फ आपके लिए या पापा की भी फिल्में उनको नहीं पसंद, उनकी नहीं, भी नहीं, के लिए। वो डिसर्निंग ऑडियंस है। ओके। तो नहीं, माँ को फिल्म काफ़ी पसंद आई, माँ को फिल्म काफ़ी पसंद आई।
इनफैक्ट पसंद आई और भूला क्या देखने के बाद? नहीं, उन्होंने बोला बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने बोला आई एम सरप्राइज्ड कि एक्चुअली एक बार उन्होंने मेरा एक नाटक देखा था जो बहुत ही ख़राब शो था. मतलब वो शो बहुत ही ख़राब था. नाटक अच्छा था, वो शो हो जाता है कभी कभी. तो ख़त्म हुआ, मैं वो पूछा कैसा लगा आपको. आई एम ट्राइंग टू फाइंड Word. Something to nice to say about the play, but I can't right now. So, chal, hum log dinner pe chalte. So she's a discerning audience. और दादी को भी एक्चुअली फिल्म काफ़ी पसंद आई थी. और वो भी नॉर्मली बोल देती हैं अगर उनको कुछ नहीं पसंद आता. तो वो बोल देती हैं. Right. जी. बट उन्हें बहुत पसंद आई थी. मैं सिद्धार्थ से पहले पूछता हूँ कि फिल्म जब बन जाती है, बनने के बाद दर्शकों के पास आ जाती है और अब लोग देख के आपको फ़ोन भी कर रहे होंगे, रिएक्शंस भी दे रहे होंगे आपको, आपको ये जो केस था, केस आप तक पहुंचा कैसे? मेरे राइटर है विपुल मेहता जी, ये गुजराती नाटक के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और ये गुजराती फिल्में बनाते हैं. अब इनकी हिंदी फिल्म भी आ रही है. तो इन्होंने ये गुजराती नाटक डायरेक्ट किया था. तो जब इन्होंने मेरे लिए संजीवनी शो टेलीविजन शो लिखा भी है, तो वो उसने बोला सिद्धू तू आके ये गुजराती नाटक देख. अब मुझे गुजराती आती है तो मैं मदर इन लॉ के लेके चले गया. ये नाटक था पहले? नाटक था. नाटक इसके 100 शो हो चुके हैं. ओके. 100 बाकायदा परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं. तो ये नाटक को देखने के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि ये रियल स्टोरी है तो इस पर रिसर्च चालू किया. तो ऑलमोस्ट एक साल तो वो हिचकी के बाद वो जो एक साल था वो रिसर्च में गया, राइट्स खरीदने में, स्क्रिप्ट लिखने में गया और जो गलत है उसको हटा के एक अच्छी साफ सुथरी वेल इंटेंशनड कहानी बनाए उसमें गया. आपसे पूछना चाहूँगा, आमिर खान साहब को बड़ी शिकायत है कि वो बच्चे उनकी सुनते नहीं. आप क्या नहीं सुनते हैं भाई? आप नहीं सुनते या बहन नहीं सुनती या दूसरा भाई नहीं सुनता? अरे नहीं नहीं, हम सुनते हैं. आप आपको उन्हें आपको उनकी अम्मी को पूछना चाहिए वो उनका कितना सुनते हैं. जी नहीं नहीं सुनते हैं, पर कभी कभी पेरेंट्स आ पेरेंट्स तो उन्हें बोलना पड़ता है कि समझ गए भाई, छोड़ दो आप, हो गया. अब करने दो जो करने दो. जी मगर ऐसे बट जी बताया बोलिए. नहीं नहीं, बट ही इज़ ऑलवेज वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी वेरी सपोर्टिव. और वो कभी भी आप कभी भी किसी चीज़ को आप उन्हें कुछ पूछो तो कभी ना नहीं बोलते. वो कभी उनको जो भी लगे वो बोलते हैं, देखो मेरी ये राय है, बाकी तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे. आजकल तो बच्चे भी राय दे देते हैं ना, तो आपने कभी उनको राय दी है उनकी फिल्म देख के? बहुत बार. हाँ बिल्कुल. एक ऐसी राय बताइए जिस पे देख के उन्होंने आपको, हाँ बताइए, जो रिएक्शन दिया उन्होंने ऐसे. नहीं नहीं, वो हर बात पे वो सबसे राय लेते हैं और वो ही इनकरेजेस डिसेंट, ही इनकरेजेस पीपल हु डोंट ऑलवेज अग्री विद हिम. तो काफ़ी चीज़ों पे हर लेकिन वो आपके बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने मुझे बताया था कि लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे आपने ऑडिशन दिया था उनके घर और उन्होंने कहा यही करेगा. हुआ था ऐसा? जी उन्होंने, हम लोग ने एक ऑडिशन किया था. इनफैक्ट वो वही ऑडिशन सिद्धार्थ सर, मैंने और आदि ने देखी, आदि सर ने देखा और फिर इनको ये पार्ट मुझे एक साल बाद बुलाया. हमारी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने इतनी बढ़ा दी. बहुत अच्छा ऑडिशन है, आई विश एक दिन यूट्यूब पे रिलीज कर लें. उनसे कहिए. हाँ जी उनका ही तो है. बहुत अच्छा ऑडिशन, बहुत प्यारा ऑडिशन है. आप बता रहे, वही प्रोड्यूसर है मेरे को, उन्हें पसंद आया था काफ़ी. एंड आई थिंक उस वक्त पे ही वॉज अ वेरी प्राउड फादर. खैर वो फिल्म नहीं बनी इन दैट वे. होता है, हर पिक्चर की अपनी जर्नी, डिमांड्स होती हैं जी. हर पिक्चर की अपनी जर्नी होती है, हर पिक्चर के अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. बट उसकी वजह से मुझे एक्चुअली ये फिल्म ऊपर वाले ने लिखा था कि वो ऑडिशन होगा और मैं डायरेक्ट करूँगा. चलिए जाते जाते सिर्फ एक चीज़ पूछूंगा आपसे, सबसे अच्छा रिएक्शन जो आपको आपकी फैमिली से या आपकी फैमिली से या किसी दोस्त से या आमिर खान के जो इंडस्ट्री के दोस्त हैं एक्टर्स, किसी से मिला हो आप लोगों को, आपका अपना, आपका अपना एक रिएक्शन, कितने कितने रिएक्शंस मिले हैं एक्चुअली.
इंडस्ट्री से मिले हैं, सीनियर से मिले हैं? इंडस्ट्री से जो सबसे बेहतरीन आपको लगा और किसने दिया? एक दिलचस्प रिएक्शन मुझे एक्चुअली मिला. क्या? एक डायरेक्टर का मैसेज आया था कि द पोस्टर शुड हैव रेड इंट्रोड्यूसिंग जुनैद खान्स जॉलाइन. तो वो एक काफी दिलचस्प रिएक्शन था. बट बहुत सारे प्रेजेस आए हैं और आ रहे हैं आपको. मुझे मेरे दो अहम रिएक्शंस, मैं एक तो बहुत 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 बड़ा फैन हूँ ऑफकोर्स आमिर सर का तो हूँ, पर और उनका उनका वो हग और वो बहुत मेरे लिए अहम था. मैं जावेद अख्तर का बहुत बड़ा मुरीद हूँ, बहुत बड़ा. सब अहम, सब लोग बहुत, मतलब बहुत. तो जब जावेद साहब ने फिल्म देखी, जब आपने देखी रात को स्क्रीन जी, उन्होंने शबाना जी ने देखी और उनका जब फ़ोन आया, उनका जो रिएक्शन हमें हम दोनों को मिला और जो नेक्स्ट डे भी उन्होंने फ़ोन किया, वो बहुत ही दिल से आया था. क्या लाइन थी, लाइन बता दी सर. वो यही तक रहने दे, क्योंकि वो उनका रिएक्शन है, वो मैं यहीं पे. बट उनको बहुत ही, उन्होंने जो मुझे सराहा ना, वो जो आशीर्वाद दिया, वो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. और जो दूसरी रिएक्शन है वो सब मेरे बेटे की है, वो 21 साल का है. और इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो देख रहा था मैं रो रहा हूँ, मेरे घर पे क्या चल रहा है, मेरे माँ बाप, तो उन्होंने परसों सर एक पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे सर मेरे लिए. वो किसी भी बाप या किसी भी इंसान के लिए, जब वो आप पोस्ट पढ़ोगे ना, और ये बेटे से जब आपको ये मिलती है ना सर, आपके आँख भर आएंगे. मेरी अभी से भर आएंगे. जी जी, आप वो पोस्ट ज़रूर पढ़िएगा. एज अ सन, व्हेन यू सी योर सन टेलिंग योर फादर व्हाट यू लर्नड फ्रॉम हिम एज एग्जाम्पल, इससे बेटर आपको क्या चाहिए सर, क्या ही चाहिए. चलिए बहुत बढ़िया, आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए, फिल्म अच्छी जा रही है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. अगली फिल्म का तैयार, लोगों को इंतजार रहेगा, जुनैद का भी और आपका भी. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच.